गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेज जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे एमसीक्यू के रूप में आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा नवा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करना है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन क्या कहता है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह बिल्कुल सही है। FAO मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है और पूरे विश्व में भूख और खाद्य से संबंधित मामलों को निपटता है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत FAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये भी जानकारी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को संगठित किया गया था, भारत उस समय वहां मौजूद था और उसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। तीसरा कथन कहता है, इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जानकारी गलत है, क्योंकि FAO का मुख्यालय रोम इटली में है। ये एकमात्र ऐसा संगठन है, एकमात्र ऐसा यूनाइटेड नेशन का इकाई है जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको सही जानकारी की पहचान करना था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तीसरा गलत है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना का, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई। भारत उस समय वहां मौजूद था और निश्चित रूप से भारत इसके संस्थापक सदस्य के रूप में है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में पूरे विश्व में भूख और पोषण से संबंधित मामलों को निपटता है। पूरे विश्व में एक विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता हुआ पूरे विश्व को के खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में आर्टिकल PIB के अंतर्गत आया था। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, विश्व प्रकोप चेतावनी और प्रतिक्रिया नेटवर्क यानी कि ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क किसकी एक पहल है। आपको यहाँ पर चार संस्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पहल किसकी है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 2 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड उससे जुड़े हुए इनिशिएटिव यानी कि पहल से जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क का, तो ये पहल WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पूरे विश्व के बहुत सारे संस्थान, वैज्ञानिक शोध संस्थान या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति भी इससे जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, WHO के द्वारा इसका निर्माण इसलिए किया गया है कि किसी एक देश के अंतर्गत या फिर किसी देश के किसी एक गांव में यदि कोई ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी आती है, तो उसको लेकर पूरे विश्व को अलर्ट करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक नेटवर्क है जो तकनीकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, प्रयोगशालाओं, गैर सरकारी संस्थानों और साथ ही दूसरे छोटे छोटे संस्थान, यहाँ तक कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसका सदस्य हो सकता है। ये क्या करता है, महामारी इत्यादि के मामलों को देख रेख करना, उसको रेगुलेट करना, साथ ही यदि कहीं कोई महामारी उत्पन्न हो रही है तो उस मामले में पूरे विश्व को अलर्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसके अन्य लक्ष्यों में उन बीमारियों की पहचान करना, उनका अध्ययन करना, उनके जोखिमों का मूल्यांकन करना और साथ ही पूरे विश्व को इसके बारे में बताना, साथ ही साथ यदि उस बीमारी से निपटने के लिए कोई विशेष तकनीक उपलब्ध है किसी भी विश्व के एक कोने में, तो उसको पूरे विश्व को बताना और उसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्षमता को निर्मित करते हुए पूरे विश्व को महामारी से बाहर निकलने के लिए मदद करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। हालांकि अब तक बेहतर कार्य करता रहा है, मार्स या फिर सार्स इत्यादि कुछ बीमारियां रही हैं, भारत में भी ऐसी कई महामारियों का उत्पन्न हुआ, उसके बाद इसने जबरदस्त काम किया और अंततः उस बीमारी को फैलने से रोक लिया गया।
कोरोना के मामले में ऐसा नहीं किया जा सका। आज पूरी दुनिया इसके अंतर्गत यानी कि कोरोना को लेकर बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है। देखना होगा कि इससे बाहर कैसे आया जाता है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का गठन करता है। यहाँ पर चार इकाइयों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि विश्व बैंक किन समूहों से या फिर इकाइयों से मिलकर बनते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये बिल्कुल सही है, ये विश्व बैंक का एक हिस्सा है। वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी विश्व बैंक का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये भी विश्व बैंक का एक इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ये नहीं है, ये एक अलग संस्थान है जो विश्व बैंक से इसका लिंक नहीं है। यानी कि आप कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बारे में आर्टिकल अभी बार बार PIB और हिंदू में आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत सारे कार्यों को लेकर, जैसे कि गंगा को साफ करने के मामले में हो, या फिर गंगा का पुनरुद्धार करने के मामले में हो, या फिर महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियों को लेकर हो, बहुत सारे मामलों में भारत सरकार और भारत के राज्य सरकारों के द्वारा लोन लिया गया है। इसलिए ये बार बार आ रहा है न्यूज़ में। अभी जब हम लोगों ने इसे देखा तब भी ये PIB पर ही था, तो इसीलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसे आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो ये एक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों को लोन उपलब्ध कराने और साथ ही महत्वपूर्ण ज्ञान को साझा करने की दिशा में कार्य करता है। ये मुख्य रूप से 5 संस्थानों के माध्यम से पूरे विश्व में गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने, समृद्धि को बढ़ावा देने के दिशा में कार्य करता है। उन 5 संस्थानों के नाम आपको याद रखने हैं जो विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इनके मिलने से विश्व बैंक बनता है। तो आप याद रखेंगे IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, MIGA यानी कि बहुपक्ष निवेश गारंटी एजेंसी, ICSID यानी कि निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, विशेष रूप से इन 5 संस्थानों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो संगठन है वो विश्व बैंक का हिस्सा है, तो आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, वेस्ट बैंक किसके साथ सीमा लगती है। आपको बताना है कि वेस्ट बैंक का सीमा इनमें से किस देश या फिर इकाई के साथ, यूनिट के साथ लगती है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी और विशेष रूप से मैपिंग से जोड़कर देख सकते हैं। UPSC हर साल 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग से संबंधित पूछती है, और वेस्ट पश्चिम एशिया का जो इलाका है वो UPSC के लिए फेवरेट है। हर साल लगभग 1 प्रश्न इससे होते हैं, तो आप ध्यान रखें। वेस्ट बैंक अभी बार बार न्यूज में है, चाहे वो इजरायली गतिविधि की वजह से हो या फिर ट्रंप के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं उसकी वजह से हो, तो आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें वेस्ट बैंक के साथ सीमा लगने वाले देशों या फिर इकाइयों का, तो निश्चित रूप से इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, चाहे वो उत्तर में हो, पश्चिम में हो या फिर दक्षिण में हो, बीच का हिस्सा जो है वो वेस्ट बैंक का है, इधर गाजा पट्टी है। सीरिया के साथ नहीं लगता है, मृत सागर के साथ लगता है, बहुत बड़ा सीमा है सीरिया मृत सागर के साथ, यानी कि तीसरा होगा। जोर्डन के साथ भी लगता है, जो सीमा यहाँ पर है वो जोर्डन के साथ भी लगता है, तो चौथा होगा। लेबनान के साथ नहीं लगता है, बहुत ऊंचा ऊपर में है लेबनान, तो इसके हिसाब से 1, 3 और 4 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब मैप के माध्यम से देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, ये इसराइल है, ये आप वेस्ट बैंक को देख रहे हैं, वेस्ट बैंक की सीमा ऊपर उत्तर में इसराइल के साथ, पश्चिम में भी इसराइल के साथ और दक्षिण में भी इसराइल के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नदी है, जोर्डन नदी, उसके साथ, और जोर्डन शहर यानी कि जोर्डन देश, शहर नहीं है वो एक देश है, तो उसके साथ भी सीमा लगती है। यहाँ पर मृत सागर है, इसे भी आप देख सकते हैं, तो मृत सागर के साथ भी वेस्ट बैंक की सीमा लगती है।
तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ा हुआ, जो फिलिस्तीन था फ्रेंड्स, वो अपनी हिस्ट्री में जब ये था वास्तविक तो ये ऐसा था, 1947 में ये कुछ इस प्रकार से हो गया। व्हाइट वाले पार्ट में इसराइल अपने आप को स्थापित करता चला गया, ग्रीन वाला पार्ट आप फिलिस्तीन का देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे कम होता हुआ 2020 में आप देख सकते हैं, जब तक ट्रंप ने घोषणा की है तब तक जो व्हाइट वाला पार्ट है वो इसराइल का है, और जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं वो फिलिस्तीन का है, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी। तो आप इसे याद रखेंगे। अब मात्र 5% बचा हुआ है, 15% बचा हुआ है, 5% नहीं 15% बचा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आने वाले टाइम पे समाप्ति हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, विश्व बैंक समूह द्वारा 2030 तक हासिल करने के लिए विश्व बैंक समूह द्वारा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी दो लक्ष्य हैं। तो विश्व बैंक ने कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया है जिसको 2030 तक प्राप्त किया जाना है, आपको बताना है कि वो लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, गरीबी को खत्म करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना, शून्य गरीबी के साथ पूर्ण गरीबी और खाद्य सुरक्षा की समस्या को समाप्त करना, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए, विश्व बैंक जो कि 5 इकाइयों को मिलाकर बनता है, उन्होंने 2030 तक प्राप्त किए जा सकने वाले 2 लक्ष्यों को निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। मैंने जैसे बताया कि अभी PIB के अंतर्गत इसको लेकर आर्टिकल आया था, इसलिए हम इसे आपके सामने लेकर आए हैं। जो PIB के अंतर्गत आर्टिकल आया था उसे हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि कौन से इनिशिएटिव विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों मिलकर ले रहे हैं, कौन से विकास संबंधी कार्यों को भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों मिलकर कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। लेकिन आज आप विश्व बैंक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसे ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का, तो विश्व बैंक जो निर्धारण करता है उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एक दिन में $1.90 खर्च नहीं कर पाता है या फिर नहीं कमा पाता है तो उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है। तो विश्व बैंक ने ऐसा निर्धारण किया है कि हम जो गरीब लोग हैं जो अभी $1.90 नहीं कमा पाता, उन लोगों को हम ऐसी व्यवस्था कर ऐसा संसाधन उपलब्ध कराएंगे, ऐसे व्यवस्था करेंगे ताकि वो लोग गरीबी के स्तर से बाहर आए, मतलब $1.90 से ज्यादा कमाए और उनका गरीबी मतलब पूरे विश्व में जो गरीबी है उसको 3% से ज्यादा न रहने दिया जाए, मतलब गरीबी को 3% तक लाकर रोक देने के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा। तो ये तो पहला लक्ष्य हुआ। दूसरा, विश्व के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, उनकी आय में वृद्धि करना, मतलब गरीबी को तो कम करके 3% लाना ही है, लेकिन जिनकी कम आय है उनको उनके आय को कम करके 40% के जो नीचे वाले आय हैं उन लोगों के आय में वृद्धि करना, और यदि आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से विकास और वृद्धि हो पाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, समृद्धि हो पाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थे फ्रेंड्स, आप इन्हें याद रखें। तो हम आज के अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, कल फिर से निश्चित रूप से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आएंगे। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंट अफेयर मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, समझिए, MCQ के रूप में पढ़िए, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनको याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।